हाँ तो भाई कैसे हैं आप लोग? आज हम आए हैं अल मक्का रेस्टोरेंट, ये देख सकते हैं आप। और अखिल भाई हमें ट्रीट दे रहे हैं। अखिल भाई कैसे हैं यार? अखिल भाई ट्रीट दे रहे हैं आज। और अखिल भाई की बात पक्की हो गई है तो ये ट्रीट दे रहे हैं। क्या खिला रहे हैं भाई आज? जो हर किसी की पसंद मंगा ले, जो कुछ भी मंगा ले हम। तो भाई आज पूरा मौका है फोड़ने का, जो दिल करेगा वो मंगवाएंगे। आप क्या खाएंगे? जो अखिल प्यार से खिला दे यार, जो प्यार से खिला दे। क्या खिलाएगा भाई अखिल? जो खाए प्यार से, पक्की बात है। कुछ भी भाई। हाँ भाई आप क्या खाएंगे? सर ये हम लोग अभी बस मेन्यू चेक कर रहे हैं, वैसे हमारा मूड तो सीफ फूड ही खाने का है, लेकिन ऐसा है कि हम सोच रहे हैं यहाँ पे न्यू अराइवल आया है इंसानों का गोश्त, वो हम ट्राई करने का। भाई इनके मेन्यू में आप देख सकते हैं अल मक्का के मेन्यू में क्या क्या है। अच्छा जी, अगवानी पुलाव है और दुम्बा राइस है, सलाद है। अगवानी पुलाव बहुत अच्छा होता है, मटन रोस्ट भी बड़ा मशहूर है इनका। अच्छा, मटन रोस्ट काफी जूसी होता है। भाई क्या क्या है अच्छा खाने में? जबरदस्त अफगानी बोटे, अफगानी चावल, मटन रोस्ट, हाँ, दुम्बा राइस। सबसे मशहूर क्या है आपका जो खाया जाता है ज्यादातर? सबसे मशहूर अफगानी बोटी है। अफगानी बोटी है, चावल ना कोई। ओ भाई देख सकते हो भाई, ये अगवानी बोटी ये होती है भाई। ये अगवानी बोटी होती है, बस गर्म है, मेरे हाथ भी लग गया। हाँ भाई क्या 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 मंगवा रहे हैं हम लोग? यार हम 3 दर्जन सीख बोटी मंगवाएंगे जो कि दुम्बा बोटी कहलाती है। हाँ, और गरम रहे इस वजह से दोबारा मंगवाएंगे बाद में। अच्छा, साथ मंगवा ली तो ठंडी जाएगी। मटन रोस्ट मंगवाएंगे और अपना 3 अपना दुम्बा बोटी मंगवाएंगे। कंधारी नान सही है। कोई पुलाव नहीं खा रहा? पुलाव नहीं खा रहा कोई? यार पुलाव तो खाते रहते घर में। थोड़ा पीछा मेरे ख्याल से ना ये पुलाव मुझे लग रहा है ठीक होगा। वैसे मैंने पुलाव खाया है, होता तो टेस्टी है, मजेदार होता है। जो बोटियाँ होती है ना अगवानी, ओ हो बहुत मजेदार। स्पाइसी तो नहीं कहेंगे, सही होता है बस। नहीं स्पाइसी कुछ भी नहीं होता, स्पाइसी नहीं होता। फूड नॉर्मली स्पाइसी होते भी नहीं। अच्छा, क्वालिटी से होते बाकी, मतलब थोड़े सॉल्टी होते हैं। अगवानी हो गए, ईरानी हो गए, या सॉल्टी फूड हो गए, ज़्यादातर नमकीन होते हैं। सही सही सही, ना मसाला खाते भी नहीं। ठीक है, तो भाई देख सकते हैं हम अभी ऑर्डर करने जा रहे हैं, तो ऑर्डर करते हैं इसको। 4 कंधारी नान कर दो और 1 चपली का हो गया और 1 रायता कर दो। बात सुनो, ये करना है बटन रोस्ट। बटन रोस्ट बेटा कम पड़ेगा, 1-2 बंदे करते हैं। चलो मंगवा भाई, मटन रोस्ट भी कर दो। तो भाई हमने ऑर्डर कर लिया है, बहुत शदीद भूख लग रही है, ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। जैसे ही खाना आता है तो आपको दिखाएंगे। भाई रायता आ चुका है, सैलेड आ चुकी है, बस अब खाने का वेट हो रहा है। अब जल्दी से आ जाए, कितना टाइम लग जाएगा भाई? 15-20 मिनट में आ जाएगा भाई। बहुत शदीद भूख लग रही है तो इंतजार नहीं हो रहा, अब जल्दी से खाना है तो आपको दिखाया फिर खाएं। हाँ तो भाई अगवानी बोटियाँ आ चुकी है, अगवानी बोटियाँ ना भाई, बोल लो। देख सकते हैं कितनी यमी लग रही है, मुँह में पानी आ रहा है। और ये नान आ चुके हैं इनके, जो स्पेशल नान है इनके। और बस अब सबर नहीं हो रहा भाई, कौन उठाएगा सबसे पहले? उठाओ, खा के बताओ कि कैसी है। उठाओ, हाँ दिखाएं 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 दिखाएं, ये देखें भाई, रोटी लो आप, यहाँ से रोटी डालो उसको खींचो। ये देखें भाई, ये तरीका बता रहे हैं खाने का, ये रायते में डबोया। ओहो मजा ही आ गया, मतलब। हाँ कैसा लगा होता है? टेस्ट बताएं। बता ही सकते भाई, बहुत बहुत यमी टेस्ट था इसका। मैं तो अभी खैर वीडियो बन, ओह हा हा क्या 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 बात है, क्या कहने ये। हाँ तो भाई इन लोगों ने शुरू कर दिया, मैंने अभी तक हाथ ही लगाया है, अब मेरी बारी है तो स्टार्ट कर। कबाब भी आ गए माशाल्लाह से भाई, स्पेशल कबाब लग रहे हैं इनके, चपली कबाब। खा लूं मैं। चलो भाई ये कौन सा आइटम है? डो डो डो, ये कौन सा आइटम है? मटन रोस्ट। मटन रोस्ट, रोस्ट 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 भाई, देखने में तो बहुत यम्मी लग रहा है, खा के बताओ कैसा है भाई। पानी की तरह है, पानी की तरह है, मुंह में डाले खुल जाएगा। इधर रख वापस, ओहो इसको आगे लाओ थोड़ा भाई, हड्डे हो चुके हैं खाने पे।
तो पहले खाना खा लिया जाए, फिर आपको बता देंगे कैसा था खाना यहाँ का। भाई मैं इनका कबाब ट्राई करने जा रहा हूँ, सही है, ये मैं कबाब ट्राई कर रहा हूँ और बहुत ही यम्मी है, बहुत मज़ेदार कबाब है इनका, मज़ा आ गया खा के ना। मतलब इसके अलावा इनकी जो स्टीम बोटी, ये तो बात ही अलग है ना, मशहूर है यहाँ पर ही। बोटी खा दी आपने? हाँ, मज़ा आ गया खा के। हाँ तो भाई आपको मैं आप दिखा रहा हूँ आफ्टर, बिफोर तो पहले दिखाया था, ये आफ्टर ये हाल है, किसी ने कुछ नहीं छोड़ा है यार। कितने दर्जन सीखे खा ली होंगी हमने? हमने मिलकर तकरीबन 5 दर्जन, 3 दर्जन सीखे खा ली हैं और 1 दर्जन और मंगवाई है अभी, आधे दर्जन और, मतलब 6 सीखे और मंगवाई हैं। भाई जो भी है मैं आपको बोलूँगा यहाँ आके खाना ज़रूर खाएं, बहुत मज़ेदार खाना है यहाँ का। अल मक्का रेस्टोरेंट अल आसिफ भाई, खाने के बाद जो यहाँ का लिमका होता है ये बड़ा मज़ेदार है, मैंने अभी ट्राई करा, बहुत यमी है, ये देख सकते हैं ये लिमका है, मैं आता पी चुका हूँ थोड़ा सा बचा, ये बहुत मज़ेदार लिमका है, अगर आप अगर यहाँ पर आएँ तो ये भी ट्राई ज़रूर करेगा। हाँ तो भाई बहुत मज़ेदार खाना था यहाँ का, बहुत मज़ा आ गया। अब सबके रिव्यूज लेते हैं यहाँ पर कि किसको कैसा लगा खाना। सबसे पहले अकील बताएगा जो हमें खिला रहा है। जी अकील, माशाल्लाह हर चीज़ यहाँ की बहुत अच्छी थी। सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा मुझे अगवानी बोटी। अगवानी बोटी के बाद रोश और चपली कबाब भी अच्छे थे। ओके चपली कबाब भी अच्छे थे। क्या अच्छा लगा सबसे ज़्यादा? ये मैं आया हूँ फर्स्ट टाइम यहाँ पे ना। हाँ तो मैं आया हूँ फर्स्ट टाइम और इत्तेफाक है कि आज तक यहाँ पे आना नहीं हुआ था, बहुत सुना था, मैं आया हूँ फर्स्ट टाइम और बहुत VIP सीन है और मुझे तो सबसे ज़बरदस्त लगा रोश, इस लिहाज से कि ये VIP चीज़ है, एकदम मेल्टेड मीट है, उसके साथ इनकी यखनी जो है जो उसको मेल्टेड मीट को 4 चांद लगा देती है, और फिर अगवानी बोटी की तो कोई बात ही नहीं है उसकी तो बात। सबसे ज़्यादा मज़ेदार क्या लगा? सब चीजें मजेदार। सबसे अच्छा जो सबसे अच्छा इंटरव्यू काट दिया मेरा वो अंकल का उनैन को ताड़ना। हाँ और क्या बोल रहे थे? हमारे साथ उनैन भाई है, इसको उन्होंने पूरे खाने के दौरान ताड़ा है, और जैसे हमारा खाना खत्म हुआ था वो निकल लिया। वो अंकल असल में ना ये इमेजिन करना चाह रहे थे कि ये दाढ़ी मूछ के बिना ये बच्चा अंदर से कैसा होगा जब ये चिकना होगा। भाई यहाँ पे ये थोड़ा बतला है तो जरा दाढ़ी मूछे बना कर आएगा। ऐसी जगह भी तो आए हैं अल आसिफ और उनैन भाई की बड़ी डिमांड है माशाल्लाह आजकल अल आसिफ में जो है वो, अभी हम सोच रहे हैं हम ये भी कि बिल जो है वो अंकल जो हो जाएगा तो बात को जरा ना घुमा के रखे। भाई उनैन सबसे अच्छा क्या लगा खाने में? ताड़ना एक बुरी चीज़ नहीं है अगर पैसे मिले उसके बाद, जहाँ तक बात खाने की है वो जाहिर सी बात है कि वो दुम्बा बोटी मजेदार थी बहुत। सबसे ज्यादा अंकल के 900 रुपए हो गए, मतलब ना अंकल से 900 रुपए लेने काटने के। भाई ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ मुझे सबसे ज्यादा मजेदार जो लगा है यहाँ की अगवानी बोटी, जो मैं पहले भी यहाँ खा के जा चुका हूँ और फिर अगेन मैंने कहा मैं तो अगवानी बोटी ही खाऊंगा। इसके अलावा मुझे यहाँ का पुलाव अच्छा लगता है, अभी हमने पुलाव नहीं मंगवाया था, हमने रोश अगवानी बोटी और क्या था चपली कबाब, मजेदार है। अब मैं सोच रहा हूँ या तो हम कहावा भी हैं कोल्ड ड्रिंक चर्स भी हो गए तो नहीं वाले भाई। भाई ये लोग कावा पियेंगे, आप भी कावा पियोगे? कावा पिए, ये सब कावा पियेंगे और मैं पीऊंगा ड्यू। तो भाई हाँ तो भाई हमने अभी कैबा मंगवा चुके हैं हम लोग, ठीक है, और मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगवाई है, ये सब कैबा पी रहे हैं, ये देखें ये मेरी कोल्ड ड्रिंक आ चुकी है यहाँ पर, ये लोग कहवा पी रहे हैं। अच्छा कहवा के साथ इन लोगों ने टॉफी दी है, आई थिंक कड़वा होता है ना ये? नहीं मीठा होता है गुड़ तो यार। अबे नहीं कहवा कड़वा होता है, मतलब तीखा होता है, तीखा तीखा होता है, तीखा होता है गुड़ मुंह में रखते हैं। कैसे 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 काट के दिखाओ, मुंह जल जाएगा भाई। आया मुंह में रखा। हाँ भाई मुंह में रखते ये दिखाएंगे ना। हाँ दिखाओ उन्हें, ये थोड़ा मुंह में रखा उन्होंने और ये पी लिया। क्या बात, बस का यही मजा है। मैं तो खैर कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ।
हाँ तो भाई मेरे छोटे से व्लॉग का एंड है, तो हमने सब कुछ जब खा पी लिया है, कैबा वबा पी लिया है, कोल्ड ड्रिंक पी ली है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।